दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों में बम होने की धमकी से सुबह हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी में कहा गया कि हम लोगों को इमारतों में दफन कर देंगे। वहीं इस धमकी को जिस ईमेल के जरिए भेजा गया है उसका सर्वर विदेश में मौजूद होने की जानकारी सामने आ रही है। गृह मंत्रालय जहां पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है, वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामले की तफ्तीश में जुटी है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने घटना की सूचना के बाद कई स्कूलों का दौरा भी किया। दिल में जिहाद, सोच वाहियात, दिल्ली को डराने का जिहादी प्लान, स्कूलों को मेल आए, बच्चों को घर ले जाएं, 100 स्कूलों को धमकी, मचा हड़कंप। हमारे दिल में जिहाद है, हम तुम्हें आग की लपटों में झोंक देंगे। दिल में जिहाद की वाहियात सोच लिए एक ईमेल ने दिल्ली वासियों को परेशान करके रख दिया। बुधवार की सुबह राजधानी दिल्ली सो रही थी, बच्चों को सुरक्षित स्कूल भेजने के बाद कोई चाय की चुस्की ले रहा था, कोई अखबारों से देश दुनिया की जानकारी ले रहा था, पर उन्हें क्या पता अगले कुछ मिनटों में इस अफवाह भरे ईमेल से हड़कंप मच जाएगा। दरअसल दिल्ली और नोएडा के 100 से अधिक स्कूलों को जिहादी सोच वाले धमकी भरे ईमेल किए गए, जिसमें इन स्कूलों में बम रखे होने की खबर से हड़कंप मच गया। डीपीएस द्वारका, डीपीएस वसंत कुंज, डीएवी दक्षिण पश्चिम दिल्ली, मदर मैरी मयूर विहार, संस्कृति दिल्ली, अमिटी पुष्प विहार साकेत, डीपीएस नोएडा समेत सैकड़ों स्कूलों में धमकी भरे ईमेल ने बच्चों परिजनों के साथ साथ स्कूल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी। मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। मैम वो मेल कहाँ से आया था वो जानकारी मिली? नहीं, वो हमें नहीं मिल पा रही, पर हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं, पुलिस को भी कर दिया है और सब जगह। बम की सूचना के बाद मचे हड़कंप को कंट्रोल कैसे करना है ये स्कूल प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। पुलिस ने अभिभावकों से कहा कि वे बिल्कुल ना घबराएं, प्रशासन की जांच में किसी स्कूल से कोई संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई। सूचना मिलने के बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची है, छात्रों को उनके घर वापस भेज दिया गया है। अभी आज सुबह से ही कई स्कूलों को अपने ईमेल इनबॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि बॉम्ब थ्रेट इशू हुआ है, तो जैसे जैसे स्कूल अथॉरिटीज हमें बता रही थी तो पुलिस के साथ मिलके स्कूल के साथ मिलके पुलिस की प्रायोरिटी नंबर वन यही थी कि पहले बच्चों को सेफली घर पहुंचाया जाए, बिल्डिंग इवैक्यूएट की जाए। प्रीलिमिनरी तौर पे जो हमने बिल्डिंग की सर्च की है तो उसमें हमें कुछ भी चिंताजनक नहीं मिला है, पर बीडी टीम से हम तसल्ली से सब सारी बिल्डिंग्स चेक कराएंगे। पुलिस तो अपना काम कर रही है पर घबराए परिजनों को कौन समझाए। अभिभावक अपने बच्चों को लेकर परेशान दिखे, पर इस बीच थोड़ी राहत भरी खबर आई। दिल्ली पुलिस के डीसीपी देवेश कुमार महला ने बताया कि हमने सभी स्कूलों की जांच कर ली है, कहीं पर कुछ भी नहीं मिला है। हमने अपने तौर पे प्रिकॉशनरी लेवल पे भी और सारी स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं, तो कोई पैनिक होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारी चेक कर लिए हैं और कॉल के तौर पे भी चेक कर लिए। हमारे एरिया में जो भी पुलिस, जो भी स्कूल्स हैं वो भी और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर लिए, किसी में कुछ इश्यू नहीं। मामला बढ़ता देख एक्शन में आई दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। इस बीच दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बहुत से स्कूल हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया है कि उनको एक मेल आया है जिसमें थ्रेट दिया गया है कि उनके प्रीमाइसिस पर बॉम्ब है। तो जब ये कॉल मिला तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रोटोकॉल के अनुसार हर एक कॉल को सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग करवाई है, लेकिन अभी तक कहीं भी कुछ भी अनटूवर्ड्स नहीं मिला है। दिल्ली परेशान थी, अफरा तफरी मची थी, हर कोई परेशान था, पुलिस प्रशासन स्कूल प्रशासन के साथ साथ अभिभावक भी परेशान थे अपने बच्चों को लेकर। इस बीच दिल्ली के एलजी
वीके सक्सेना साफ तौर पर कहा कि हमारी पुलिस प्रशासन काम कर रही है, कोई भी ऐसी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है स्कूल अथॉरिटीज ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, यहां पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं, हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही कुछ हाल नोएडा में सुनने को मिला। अपर पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर शिवहरि मीणा ने बताया कि डीपीएस नोएडा में बम की धमकी की सूचना के बाद हम वहां पहुंचे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। एक मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि डीपीएस में कोई धमकी भरा कार्य हो रहा है, उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, जिसमें हमारी एएसजेड टीम, बीडीडीएस टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है। बाकी हम लोग सर्च एक कर चुके हैं, अभी तक वहां पे कोई इसी तरह की अवांछित वस्तु नहीं मिली है। फिर भी हमारी टीमें कंटिन्यू चेक कर रही हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पे कोई चीज ना। स्कूलों में बम की खबर मिलने की घटना पर गृह मंत्रालय की पैनी नजर है। साइबर टीम आईपी एड्रेस तलाशने में जुटी है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस आईपी एड्रेस से मेल किया गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जांच में लगाया गया है, साथ ही एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।